क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर क्या है? 160। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक चलो कल हमने क्या किया था, सॉल्व एग्जांपल 7 किया था, आज क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व एग्जांपल 8। क्या दिया हुआ डेट 2018 जुलाई, तो हमने देखा 2018 क्या लिखोगे, जुलाई 2018 जुलाई 2018 जुलाई, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम नीलकमल स्टोर्स 33,500% डिस्काउंट, हाफ अमाउंट वॉज पे इमीडिएटली, सिंपल सा लॉजिक है, आधा पैसा तुरंत पे कर दिया है ना, तो कितना रिकॉर्ड करोगे, आधा मतलब तो आधा क्या हो गया कैश ट्रांजेक्शन और आधा क्या हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलो पहले इसको देख लेते हैं, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस, कितने का माल खरीदा हमने 33,000, उसमें से लेस क्या करोगे टीडी, कितना परसेंट होगा 5%, तो देखो 33,000 का 5% कितना होगा, ये दो जीरो कैंसिल, 5 0 0 5 3 15, 1 5 0 15 + 1 16, 5% कितना आ रहा 60 50, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा नेट 0 - 0 0, 10 - 5 5, 9 - 6 3, 2 - 1 1, है ना, और 3 का 3, तो नेट इतना आया, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया, इसमें से भी आधा क्या है कैश ट्रांजेक्शन है और हाफ क्या है क्रेडिट, तो हम लोग कौन सा बुक कर रहे हैं, कैश बुक कर रहे हैं या क्रेडिट बुक कर रहे हैं, क्रेडिट बुक कर रहे हैं, ये देखो है ना, तो इसके लिए हम लोग खाली हाफ ही रिकॉर्ड करेंगे, हाफ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसका हाफ क्या होएगा 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 2 5 10 और 2 6 12, 2 7 2 5, 15,675, देखो आंसर होगा ये, ठीक है, इसे हम खाली रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये कैश बुक में जाएगा, ठीक है। परचेज बुक डेट क्या है 8 तारीख, किससे माल खरीदा हमने नील कमल स्टोर्स, यहाँ पे चाहिए तो वर्किंग नोट लिख दो, वर्किंग नोट 1, ठीक है, इसको नाम दे दो वर्किंग नोट 1, अमाउंट कितना आएगा 15,675, क्लियर है सबको। नेक्स्ट अभी क्या है, इनवॉइस गुड्स ऑफ 27,750 टू धवल ट्रेडर्स, टू मतलब को, तो धवल को हमने इनवॉइस दिया, किसी को इनवॉइस होती है मतलब क्या हो गया, आप किसको बिल दोगे जिसको माल बेचोगे, तो ये एक्चुअली क्या है आपके लिए सेल्स है, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा 3 तारीख, सेल्स उसमें आएगा 3 तारीख, धवल ट्रेडर्स, कितना 27,750, क्लियर है। नेक्स्ट अभी सोनाली इनवॉइस गुड्स 14,000 टू अस, सोनाली ने हमको बिल भेजा, तो हमारे लिए क्या हो गया परचेस, है ना, तो एट 4% टीडी एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 27 जून 2018, 27 जून को, अभी हम लोग कौन से महीने में, जुलाई में, 27 जून को हमने क्या किया था, ऑर्डर दिया था किसको, सोनाली को, और उसने हमें गुड्स भेजा है, लेकिन उसमें क्या टीडी है, जिसमें टीडी मारना है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है ग्रॉस, कितने का माल भेजा उसने हमें 14,000, उसमें से कितना माइनस करोगे टीडी 4%, तो 14,000 का 4% कैलकुलेट करो, ये दो जीरो कैंसिल, 4 0 0 4 4 16, 1 कर दिया 4 1 4 + 1 5 5 60, ठीक है।
560. तो यहाँ पे क्या आएगा नेट 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 4, और 9 माइनस 5 क्या होता है 4, और ये क्या आएगा 3, है ना। तो 13,440 का सोनाली के पास हमने क्या क्या गुड्स परचेस किया, कितनी तारीख है, 4 तारीख सोनाली, ठीक है, 13,440। ओके ये हो गया, समझ आया आप लोगों को, बोलो। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट 7% TD, सेल किया है सेल्स बुक में, सौरभ एंड सन्स, ठीक है, कितने का माल बेचा है 30,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 30,000, और रेट ऑफ टीडी कितना है 7%, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना आ रहा है तुमको, तो 30,000 × 7/100, जो 2 0 कैंसिल हो गया, 7 00 से 00 जगह 7 3 से कितना आएगा 21, तो कितना आया 2,100। तो 30 माइनस 2 कितना होगा 28 माइनस 100 का होगा 27,900। ये क्या है, परचेज की सेल है, सेल 27,900, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। आगे है, सेंड अ डेबिट नोट टू नील कमल स्टोर्स 3,000 ग्रॉस, तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस रहेगा तो क्या करने का, टीडी मारने का। पहली बात तो देखो, सेंड अ डेबिट नोट, डेबिट नोट किसको देते हैं हम, जिसको हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिट किसको करते हैं, जो रिसीवर होता है, याद रखो शॉर्ट। अगर ये नहीं समझता तो यहाँ पे देखो नील कमल किधर है, वो देखो इधर है परचेज है ना, तो ऑब्वियसली नील कमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट नोट दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा रिटर्न है, परचेज, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग को आ जाएगा ये। तो नील कमल 12 तारीख, नील कमल स्टोर्स, अब उसको हमने कितने का माल रिटर्न किया 3,000 का, लेकिन वो ग्रॉस है, तो ग्रॉस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या नेट रिकॉर्ड करते हैं, नेट, तो पहले 3,000 यहाँ पे लीजिए। अच्छा, नीलकमल को हमने कितना, नीलकमल से हमने कितना डिस्काउंट किया था, कितना था ऊपर देखो, 5% ऊपर के ट्रांजेक्शन से मालूम पड़ जाएगा 5%, तो इसका 10% कितना आएगा 300, तो 5% कितना आएगा 150, तो कितना हो जाएगा ये 2850, यहाँ पे कितना आएगा यही है ना, नेक्स्ट अभी क्या है, सेंड अ क्रेडिट नोट टू धवल, धवल देखो किधर है यहाँ, किधर धवल, ये सेल्स में, तो ये क्या हो गया सेल्स रिटर्न, कितनी तारीख है 14, धवल क्रेडिट 3550, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 19, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, अब सोनाली देखो कहाँ है, परचेज, उसने हमको क्या दिया डेबिट नोट, उसने हमको डेबिट नोट दिया, तो हम उसको क्या देंगे, अब यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो, आपको क्या लगेगा कि सोनाली सर ने माल खरीदा है तो क्या होगा परचेज रिटर्न, बट उसने दिया क्या हमने देखो, हाँ सोनाली ने क्या दिया हमें डेबिट नोट, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, कोई हमको डेबिट कर रहा है यानी हमको माल दे रहा है, वो क्या हो गया गिवर हो गया, ठीक है, तो सोनाली देखो यहाँ पे कौन से रिटर्न में आएगा, लेकिन कहाँ लिखा है परचेज रिटर्न में लिखा ना,
ठीक है, रॉन्ग है ये। अगर मैं आपको डेबिट नोट दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको डेबिट कर रहा हूँ यानी आप रिसीवर हुए। तो यहाँ पे देखो डेबिट नोट कौन, डेबिट रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, सोनाली से हमको डेबिट नोट मिला यानी हम डेबिट हो गए, हम उसको क्या देंगे बदले में, क्रेडिट नोट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपको माल सेल करता हूँ है ना, अगर मैं क्या करता हूँ माल सेल करता हूँ तो होगा क्या कि आप रिसीवर हो जाओगे, तो रिसीवर ऑलवेज क्या होता है डेबिट और गिवर क्या होता है क्रेडिट। तो अगर मैं मेरी बुक में आपको क्या लिखूंगा डेबिट और आप अपनी बुक में मुझे क्या लिखोगे क्रेडिट, सिंपल सा लॉजिक है। फिर काम करो, अगर आंसर के साथ जाना चाहते क्वेश्चन में चेंज करो, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली है ना, उसको क्या करो डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट कर दो, रिसीव डेबिट नोट की जगह क्या करोगे क्रेडिट नोट, रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली तो 19, तब ये परसेंट रिटर्न हो जाएगा। सोनाली कितने का माल आपने उसको, उसने हमको रिटर्न किया 1000 का, उसको हमने रिटर्न किया 1000 का, लेकिन 1000 क्या है ग्रॉस है। सोनाली से ऊपर के ट्रांजेक्शन देखो, जब हमने उससे परचेस किया था उसने हमको डिस्काउंट कितना दिया था 4% दिया था, तो यहाँ पे टीडीपी कितना माइनस होगा 10%, कितना आएगा 100, 1% कितना आएगा 10, तो 4% कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 960, यहाँ पे कितना आएगा 960, कितना आएगा 960, यस। अभी अगला क्या है 19 हो गया ना 21, सेंड अ क्रेडिट नोट टू सौरभ, सौरभ को हमने क्रेडिट नोट दिया तो सौरभ बदले में हमको क्या देगा डेबिट नोट है ना, क्रेडिट नोट दिया हमने सौरभ, यहाँ पे क्रेडिट नोट दिया ठीक है, तो ये क्या होगा सेल्स रिटर्न 21, सौरभ एंड सन्स कितने का माल रिटर्न किया 4675 नेट दिया हुआ है, तो जब नेट दिया है तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं है ग्रॉस लिखने की, टीडी मारने की जरूरत नहीं है, 4675 ओके। नेक्स्ट अभी क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम क्या सुरभि स्टोर्स 15,000 एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कल ही हमने ये किया था याद होगा आपको नहीं याद है ठीक है। तो सबसे पहले तो 24 तारीख को क्या करो, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ सुरभि स्टोर्स, तो परचेज किया तो परचेज बुक में चले जाओ, क्या लिखोगे सौरभ बी स्टोर्स, कितने का माल परचेज किया 15,000 चार में, क्या लिखोगे 15,000। फिर बाद में यही माल हमने किसको भेज दिया प्राची 24 तारीख प्राची ठीक है, और प्राची को हमने सेल किया लेकिन कैसे किया 25% ऑन कॉस्ट, याद रखो 25% ऑन कॉस्ट ना, तो यहाँ पे कितने में परचेज किया हमने 15, तो 15 हमारे लिए क्या हो गया कॉस्ट हो गया, तभी मैंने एक्सप्लेन किया था 15,000 क्या हो गया कॉस्ट हो गया, उस पर हम लोग क्या करेंगे 25% और ऐड करेंगे, ये कुछ इस तरह से होता है देखो कॉस्ट कितना है 15,000, इसमें क्या ऐड करोगे 25% प्रॉफिट, तो 15,000 का 25% निकालना है, तो 15,000 का 25% क्या होगा इंटू 2500, ये दो जीरो कैंसिल हो गया 25 कितना होता है 125, 12 कर 25 बन जाए 25 प्लस 12 कितना होगा 37 ठीक है, तो 37 50, 15 में से 3 गया 12 यानी 11,250, ये क्या हो गया सॉरी ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 18,000 समझे, तो 18,750 क्या तक समझा, ये कल भी था आज भी था दोनों वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा, या फिर समझी रहे हो लाइव लेक्चर में होती है। अगला क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड पेड कैरेज 240, ये कौन सा बुक है क्रेडिट बुक है, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो गाड़ी के हैं और गुड्स के हैं, कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, अदर देन गुड्स रिकॉर्ड
नहीं कर किए जाते है ना। तो कैरेज जो है वो क्या रेंट है ना, भाड़ा है, वो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्रेडिट बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या रिकॉर्ड होगा, खाली सीमा स्टोर पच्चीस सर, सीमा स्टोर 6600। नेक्स्ट, प्राची रिटर्न गुड्स 5000 एज दे वर डिफेक्टिव एंड द सेम वर रिटर्न टू सुरभि स्टोर्स। प्राची ने हमको रिटर्न किया, हमने किसको रिटर्न किया, सुरभि। तो प्राची ने हमको रिटर्न किया वहां तो ठीक है, सुरभि को जब रिटर्न करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। कैसे देखते हैं, ये जो 5000 का माल दिया है ठीक है, ये इसमें हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे बताता हूँ आपको, ये डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा। जान लो प्राची ने रिटर्न किया ना, तो प्राची को हमने माल भेजा था, तो रिटर्न देने से क्या हो गया, सेल्स रिटर्न ठीक है। कितनी तारीख है, 27 कौन सी चाहिए, प्राची। अब सुरभि के टाइम पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, प्राची को जो हमने माल भेजा था उसमें कितना प्रॉफिट था, 25%। लेट अगर मैं कोई चीज़ क्या करता हूँ, 15000 में खरीदता हूँ और मैं 25000 में बेचता हूँ, तो किसी बंदे ने अगर मुझे रिटर्न कर दिया 25000 वाला माल जिसको मैंने बेचा था, तो वो उसको मैं कितना रिटर्न करूँगा। अगर 25000 का मैंने माल किसी को बेचा और उसने मुझे रिटर्न कर दिया माल वापस, तो मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, उसे पूरा पैसा उसका पूरा 25000 में उसको रिटर्न कर दूंगा है ना। लेकिन ये मैंने खरीदा कितने में था, अब यही माल डिफेक्टिव है ना, तो जिसको मैंने बेचा उसने मुझे रिटर्न किया, तो जिससे मैंने खरीदा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने बेचा कितने में था, 25 में, खरीदा कितने में था, तो मैं जब उसको रिटर्न करूंगा तो सामने वाला मेरे को कितना 15 देगा या 25 देगा, 15 ही देगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे प्राची के केस में क्या हुआ है, प्राची को जो हमने माल बेचा उसमें 25% प्रॉफिट है, यानी इधर 25% क्या है, प्रॉफिट है। तो जब आप जिससे माल खरीदे हो उससे तो आपने कॉस्ट में खरीदा था ना, किससे खरीदा था, सुरभि से। तो 5 का अगर गुड्स रिटर्न आया इसके अंदर प्रॉफिट है, तो यहाँ पे भी 5 ही लिखोगे क्या, सुरभि को रिटर्न जब करोगे तो 5000 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझे। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, वर्किंग ग्रुप में लिखा नहीं था कल वाला वर्किंग है, या फिर वीडियो देखना ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस कैसे बनता है, कॉस्ट प्राइस प्लस, अभी किया था ना उन्होंने वर्टिकल में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, किया था कि नहीं किया था, यही है। तो मुझे बताओ ये जो 5000 है वो कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, मुझे बताओ ये कौन सा प्राइस है, ये कॉस्ट है और ये कौन सा प्राइस है, सेलिंग है। तो उसी तरह से 5000 कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ठीक है। अब इसका कॉस्ट कितना हमको पता चलेगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो एक फॉर्मूला करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो इस कॉस्ट में हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया था, 25% प्रॉफिट ऐड किया था इसके पहले वर्ष, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 125। तो जब आपका कॉस्ट कितना है, 100 रुपया, तो उस टाइम पे सेलिंग 125 है, तो जब आपका कॉस्ट, आपका सेलिंग 5000 होगा तो उस टाइम पे आपका कॉस्ट कितना होगा, तो ऐसा तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा ठीक है। तो देखो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, सुरभि को जो माल रिटर्न कर रहे हो कॉस्ट प्राइस चाहिए, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या होगा, क्या है ना वीडियो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। देखो 25 4 100 और 25 5 125 और 5 1 5 भाई 301 में ऐड होगा तो ये 1000 रहेगा और 1000 × 4 कितना आएगा, समझ रहे हैं। तो जिसकी कॉस्ट कितनी है 4000, उसका सेलिंग कितना है 5000, यानी 5000 जिसका सेलिंग प्राइस है उसका कॉस्ट कितना 4000। तो हम सुरभि को जब रिटर्न करेंगे तो कितने का माल रिटर्न करेंगे, 4000। सुरभि से इसका मतलब क्या होगा, सुरभि से हमने 4 में खरीदा और बेचा कितने में, 5 में, ऐसा होता है ठीक है। ये लिख लेना इम्पोर्टेंट चीज़,
और कितनी तारीख को रिटर्न किया था? 27 सूरभी स्टोर्स 4000 वर्किंग नोट 3 समझे कुछ? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट. भारत फर्नीचर हमने क्या किया? उधारी पे खरीदा, तो ये भी उधारी की बुक है, क्रेडिट बुक है, लेकिन क्योंकि ये गुड्स का अकाउंट यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये हमने क्या परचेस किया हुआ? फर्नीचर. ये आएगा क्या? इसकी एंट्री नहीं होगी. ठीक है, अप्रूवल कर दें. फिर समझा ना इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या था? ये आधा कैश आधा क्रेडिट है ना. फिर उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट था? वो कम प्राइस में खरीदा, कॉस्ट में खरीदा, सेलिंग प्राइस में बेचा 25% प्रॉफिट में. फिर सेल प्राइस वाला क्या हुआ? रिटर्न हुआ. तो जब सेल प्राइस वाला रिटर्न हुआ तो हमने क्या किया? ठीक है, यहाँ पे सेल प्राइस में रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पे कौन से प्राइस में रिकॉर्ड किया? कॉस्ट में. समझ में आया? रिटर्न करो 5, 7, 4, 11 एक का लिख गया 10, 11, 6, 17 एक का लिख गया 6, 9, 14, 6, 20, 2, 3, 5 50,750 0 6, 5, 11, 10, 8, 18, 17, 18 0, 10, 10, 24, 16, 24, 74, 400 देखो तो जरा बराबर. 5, 7, 5, 12 एक के लिए किया 12, 4, 4, 8, 5, 13 ठीक है. तो ये उन्होंने किया क्या? सॉल्व यहाँ पर आ सकती है. ठीक है, अभी सॉल्व यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सॉल्व यहाँ पर, उसके बाद हम लोग अनसॉल्व भी कर लेंगे. ठीक है.